इतनी खूबसूरत थी तो उनसे ही सारी चीज़ें मिली हैं. मैंने इनडायरेक्टली इतने आराम से अपने आप को खूबसूरत कह दिया. अच्छा, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो अभी तक मिला हो सबूर, जो किसी ने तारीफ की हो आपको आज तक याद हो? मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि मैं अपनी मम्मा जैसी लगती हूँ. कितना प्यारा है ये. आप 100 में से कितने परसेंट मम्मा जैसी हो? लुक्स वाइज तो मैं कहती हूँ उन पे थोड़ा बहुत गए, पूरा जाते तो क्या बात होती, लेकिन वैसे काफ़ी चीज़ें जैसे उनका था रख रखाव, सबको इकट्ठे जोड़ के रखना, और ये वाली उनकी आदतें बहुत सारी मुझ में आई. ये तस्वीर कब की है सबूर, ये जो अम्मा के साथ पिक्चर है? ये जो पिक्चर ये मदर्स डे का एक शूट था घर में ही ऐसे ही. तो और ये अब से कितनी पुरानी है? 4 साल हो गए होंगे, 3 साल या 4 साल, 3-4 साल पुरानी. हाँ. है और दोनों माँ बेटी इसमें खड़े हैं. हाँ. अम्मा कपड़े सिलेक्ट करती थी या सबूर ड्रेसिंग वगैरह सारी सिलेक्ट किया करती थी? अच्छा, उन्हें बड़ा तैयार होने का शौक था, तो उनके पास बड़ी साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था, तो वो तो खुद अच्छी करती थी, लेकिन अब जाके ना वो मैं चीज़ें ला के देती थी उनको और मैं बताती थी, मुझसे पूछती थी बुरा क्या पहनूँ क्या करूँ, निकाल दो ना तुम. तो ज्वेलरी भी उसकी मैचिंग की निकाल के देती थी, पूरी पेयरिंग करके देती थी. अच्छा, बुरा कहती थी प्यार से? हाँ. अभी बुरा नाम जो है कब से पड़ा था? बचपन से सब यही कहते हैं. बचपन से? हाँ. सब यही कहते हैं. अच्छा, और ये पिक्चर जो है ये कब की है, क्या है ये? ये गोद भर आई थी मम्मा की, जब तब की है जब सजल होने वाली थी. सो अम्मा है और अब्बा है. हाँ जी, वेरी गुड. और ये ऊपर ये सजल है और ये मैं हूँ. मम्मा को मुझे लड़का बनाने का बहुत शौक होता था, तो बहुत बड़े होने तक भी मैंने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं. तो आप थी अपने अंदर भी कहीं टॉम बॉय थी, मैं लड़का हूँ मैं आ रहा हूँ? तो थी, लेकिन बस नॉर्मल. हाँ, मुझे था शौक और अभी भी है. अच्छा, सजल शुरू से ही स्टाइलो थी? हाँ, है ना, शुरू से उसके नखरे शुरू से हैं बहुत. हाँ. शुरू से ही थोड़ा एटीट्यूड उसका डिफरेंट सा नजर आता है. और सजल जो है वो सजल ने क्यों मुंह ऐसे बनाया हुआ है, सबूर ने क्यों मुंह ऐसे बनाया हुआ है? ये याद नहीं है, इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, लेकिन सबूर को ऐसे लग रहा है डांट के खड़ा किया. हालांकि सजल को हमेशा ज्यादा मार पड़ती थी क्योंकि बहुत वो थी, अब तस्वीर भी खिंचवानी है तो अकेले खिंचवानी है. अब जैसे हम दोनों के एक जैसे कपड़े बनते थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे खुशी होती थी, हम दोनों, उसको होता था मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने ये. तो वो बचपन से उसको ये चीज थी. अब तो खैर वो ज्यादातर मेरी वार्डरोब पहनती है, उसको बड़ा पता नहीं क्या तसल्ली मिलती है. ऐसी मम्मा के दुपट्टे ओढ़ के हमें बड़ी तसल्ली होती थी. ये बड़ा एक स्वीट सा होता है यार, बड़ी बात है. ये अम्मा की गोद में सबूर बैठी हुई है? हाँ जी. और क्या एज है इस वक्त सबूर की? क्या होगी पता नहीं, महीनों में होगी, महीनों साल डेढ़ साल की होगी. और मम्मा अपने मैचिंग के कपड़े पहनाती थी मुझे हमेशा, अपने साथ मैचिंग के. अच्छा सबूर, जैसे आंटी ने कहा था कि यू आर वन स्ट्रांग वुमन, नॉट ओनली यू सजल, भी बीन थ्रू अ लॉट, अ लॉट मीन अ लॉट. तो कैसे आई इंडस्ट्री में, मीडिया में कैसे आई? कुछ हालात की वजह से हमें यहाँ पे कराची में शिफ्ट होना पड़ा, और यहाँ शिफ्ट हुए नहीं, मम्मा और हम तीनों बाबा लाहौर में होते थे. और ये कब की बात है? इट्स बीन 8 years, 8 साल हो गए. हाँ, और तब कुछ नहीं पता था कैसे स्टार्ट लेना है. शुरू से बहुत अच्छे से रहे, हर चीज़ थी, हर फैसिलिटी थी, हर मतलब सब कुछ परफेक्ट और बेस्ट मिलता था. उसके बाद एकदम से जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हमें नहीं पता था कि हमने कैसे करना है, क्या सर्वाइवल होगा हमारा, क्या क्या एजेंसी. भाई कितने साल का था? छोटा होगा ना? भाई तो बहुत छोटा था, अभी अगर 12 साल का होगा, 11 और 12. तो मैं थी 15 साल की और सजल 16 की थी जब हम आए थे. तो नहीं पता था कैसे करेंगे. मम्मा के रिलेटिव्स ने भी कहा ऐसे कैसे, मम्मा ने कहा मुझे अल्लाह पर भरोसा और सब कुछ हो जाएगा, देखिएगा.
फिर हमने कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो मार्केटिंग की होती हैं वो करना शुरू की. उसी से हमें पता चला कहीं ऑडिशन हो रहे हैं. तो मेरा बिल्कुल भी एम नहीं था कि मैंने कभी भी एक्टिंग करनी, क्योंकि मैं बहुत शाय होती थी, बहुत ज्यादा. आप और सज्जल ने जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज होती है ये किया करती थी, मम्मा भी साथ शामिल होती थी. मतलब मम्मा का सपोर्ट होता था, मम्मा साथ, कोई इंटरव्यू है कुछ है, ठीक है. मैंने एयर होस्टेस के लिए भी अप्लाई किया, मुझे बड़ा शौक होता था ट्रैवलिंग का, अभी भी है. तो ये हुआ कि हमने थोड़ा सा मार्केटिंग की, और उसके बाद ये हुआ कि एक जगह से पता चला कि हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस में जो है वो ऑडिशंस हो रहे हैं. तो सजल तो शुरू से काफ़ी डिबेट्स करती थी नेशनल लेवल पर, और बड़ी कॉन्फिडेंट रही है वो मिमिक्री भी बहुत करती थी, लेकिन मैं हमेशा वो वाली होती थी जो चुप रहती थी, ज़्यादा नहीं बात करती थी, क्योंकि शाय होती थी मैं. रिवर्स है, बड़े वाले वुमन जो है वो जरा शाय होते हैं, छोटे वाले जरा ज्यादा. ऐसा होता है. अच्छा, लेकिन खैर ये हुआ कि वहाँ पे ऑडिशन के लिए मम्मा मुझे कहती थी कि तुमने करना है, मैं जबरदस्ती मुझे लेके गई, क्योंकि मुझे तो बनना ही था एरोनॉटिकल इंजीनियर, मुझे नहीं एक्टिंग करनी थी. तो खैर वहाँ पे जो डायरेक्टर थे नैन मनियार, सजल ने तो ऑडिशन, सजल के तो वो बात की, सजल जिस तरह मुस्कुराई, उन्होंने कहा आप नहीं करना है. फिर मेरा ये हुआ कि मैं इतनी चिड़ी हुई थी, उन्होंने कहा तुम चिड़ी हुई हो, तुमसे ही करवाना है. मैंने तो वो मुझे करना पड़ा, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, काफी गैप के बाद फिर मैंने किया. मम्मा कहती थी सजल देखो ना इंडिपेंडेंट हो गई है, सब कुछ है, अब मुझे नहीं अच्छा लगता कि उसके पास सब कुछ हो और तुम्हारे पास नहीं हो, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैं नहीं चाहती तुम किसी की मोहताज हो और करो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए. तो उनके कहने पर किया और आज यहाँ पर. वेरी गुड. कहने की बात है, जिस स्ट्रगल को इतने हंसते हंसते सबूर ने बता दी, कहने की बात है कि टीन एज में आप जिंदगी में कमाने की और क्या होगा और कैसे होगा की फिक्र में पड़े, और उसमें आप उस रेस में भागे जो दुनिया की सबसे लीथल रेस है, रेस टू सरवाइव. बिल्कुल. और लोग जिस तरह की बातें करते हैं कि फील्ड में, आज भी मुझे मेरे ख्याल से कल कोई आंटी मिली और उन्होंने वो ऐसी नजरों से देख रही थी, उन्हें पिक्चर भी लेनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कैसे, कैसी होती है ये फील्ड, क्या होता है इसमें, कैसे आना पड़ता है. उनकी ना वो जो टोन थी ना, टॉन्टिंग, हाँ जरा वो उससे समझ आ रहा था कि वो क्या पूछना चाह रही है और क्या, और जिस तरह से वो देख रही थी. तो मैंने उनसे कहा कि हर फील्ड में आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आना चाहते हो और क्या, और हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं. बिल्कुल. और हमारी फील्ड में तो अब इतने अच्छे पढ़े लिखे अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, और हमें जो मिलना होता है वो लिख दिया है हमारे लिए, तो वो मिलना है. अब रास्ता हमें इख्तियार करना है कि सीधी तरह से करें या कोई और रास्ता इख्तियार करें, थोड़ा शायद टफ हो, लेकिन हमें मिलता जरूर है जो हमारे लिए लिखा हुआ. ठीक है. तीन थी वो, बाकी में करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि इतना तकलीफ थे. हुआ क्या था सबूर, मतलब ये कैसे हो गया ये तो? बस सोचा नहीं था, झटपट, पता ही नहीं चला. हम लोग उमरा करने गए थे पूरी फैमिली, फर्स्ट टाइम किसी ट्रिप पे साथ गए थे. आप, सजल भाई, अम्मी, मामा, बाबा भी. हाँ, पूरी फैमिली गई. अच्छा. और वो भी बैठे बैठे प्लान बना. काफी अरसे के बाद यानी रीयूनियन हुआ था फैमिली का. हाँ, हम मिलते तो सब रहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रिप और एक अच्छा ट्रिप. तो हम लोग वहाँ गए, उसी दिन जिस दिन हम गए उमरा कर रहे थे, तो मम्मा को बुखार हुआ, और वो मेरे लिए, सबके लिए नॉर्मल था, मुझे भी हो गया था, सजल को भी हो गया था. वापस आए, मैं भी एडमिट रही, सजल भी एडमिट, दो दो दिन हम लोग एडमिट हुए, क्योंकि वहाँ से जब आते हैं तो अक्सर बुखार हो जाता है, वायरल हो जाता है. लेकिन मम्मा का ठीक ही नहीं हो रहा था. तो वो कोई 20 दिन की बात होगी, और आते ही मेरे भाई का वीज़े का प्रॉब्लम हुआ था, एक डेढ़ साल से लग नहीं रहा था. तो जिस दिन हम वापस आ रहे थे, उससे फ्लाइट के 2 घंटे पहले कॉल आ गई कि उसका वीज़ा भी लग गया. मम्मा ने बहुत रो रो के दुआएं की थी कि मैंने 2 बेटियों को सेट कर दिया है, उनका पता है कि क्या काम है, क्या चीज़ें हैं, वो सेटल्ड है, संभाल लेंगी, अब बेटे का हो जाए. और वो बहुत ज़्यादा लाडला भी, एक ही बेटा. तो हम लोग वापस आए तो उसके 3-4 दिन बाद अली चला गया ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए. उसके बाद कोई 10-12 दिन बाद मम्मा को एकदम से कैंसर डायग्नोज हो गया.
टेस्ट कराया था, हाँ ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसमें, और कोई साइन सिम्टम्स नहीं थे किसी किस्म का, कुछ भी नहीं, सिर्फ बुखार, फ्लू, गले में दर्द, बस इतना सा था। और उसके बाद ये हुआ कि जिस दिन, और मैं ही डॉक्टर के पास लेके गई थी, और मैं ही, और डॉक्टर ने मुझे ही बताया, तो मुझे तो मतलब मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, ना मैं रोई हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। मैंने गूगल कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, फिर डॉक्टर ने कहा अब हम लोगों को शायद गलत फहमी ना हुई हो, हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा ये तो एक दिन में और ज़्यादा वर्स्ट हो गया है, तो यानी विद इन डेज, विद इन डेज। और जिस दिन डायग्नोज हुआ है उसके 16th डे पे डेथ, 16वें दिन पे। सब कुछ ठीक था लाइफ में, और एकदम से, अब मेरा भाई भी यही कहता है कि अभी मेरा तो देखती ना वो, लेकिन वो सबको ना करके गई, जहाँ वो चाहती थी, वो चाहती थी वहाँ चला जाए, वो सेट हो जाएगा, वहाँ पर पढ़ेगा, सब करेगा, तो वो अपनी चीजें पूरी करके गई है। लेकिन कितनी जल्दी 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 ना, बहुत जल्दी सब कुछ, तो मेंटली प्रिपेयर तो नहीं 16 दिन में तो आप लोगों को। और ये भी था कि अगर हो गया है, लोगों को होता है, ठीक हो जाएंगी, मम्मा कहीं नहीं जा सकती, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो चली जाए, और वो लास्ट मिनट तक जाना नहीं चाहती थी। जब हम लोग घर आए थे, हमने शावर वगैरह लेना, तो हॉस्पिटल में ही होते थे पूरा पूरा दिन, तो वो वहाँ से कॉल आ गई थी कि आखिरी सांसें चल रही हैं, आप लोग आ जाएं। तो वहाँ गए हैं तो वो अली, क्योंकि अली ने कहा था मैं मस्जिद में सोऊंगा और वहीं पे आज रहूँगा, वो मिल नहीं रहा था, किधर है किधर है, कैसे कॉन्टैक्ट करें। तो वो जब तक नहीं आया, कोई 3 घंटे 4 घंटे वो नहीं गई, वो आखिरी सांसों पे ही लड़ी थी, और वो जाना चाहती नहीं थी। फिर भाई आया, फिर उसके बाद बस फिर वो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग, हम लोग उनको जैसे उनके बिल्कुल वो जो वेंटिलेटर पे लाइन, वेंटिलेटर का उन्होंने कहा था, तो हमने कहा था नहीं, क्योंकि मम्मा ने अपनी लाइफ में वैसे ही कई बार कहा कि मुझे कभी भी वेंटिलेटर पे अगर कभी कुछ हो तो मत डालना, क्योंकि वो बहुत पेनफुल भी होता है। तो फिर मैंने सज्जल और अली से कहा देखो मम्मा जा रही है ना, तो उन्हें अभी जाने दो, अपने लिए हम सेल्फिश हो जाए, उन्हें और मज़ीद तकलीफ दें रोकने के लिए कुछ अरसा, उन्हें जाने दो सुकून से, वो बहुत पेन में ऑलरेडी हैं। तो ये हुआ कि वो डॉक्टर ने कहा, उनकी वो लाइन जो आ जाती है वो आ गई थी, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा आप लोग बात करें शायद अली, हम लोगों ने, अली ने जैसी आवाज़ें दी वो फिर से उनकी सांसें चलने लगी। डॉक्टर ने कहा ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी, क्योंकि वो बस वो नहीं जाना चाहती थी, हमें पता था वो रुकना चाहती थी हमारे पास। तो अली हाउस, अली भाई कैसा है? उसके लिए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से टफ था, बट आई एम श्योर ही इज हैप्पी नाउ, इसलिए मैं बात भी नहीं करती। याद तो खैर वो हर वक्त हर चीज में आती है। मुश्किल है इस बारे में बात करना, लेकिन मैं इससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ।